उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने बाहुबली नेता सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा करते हुए हाल ही में सपा का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। दारा सिंह चौहान की बात करें तो वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी से नाता तोड़कर साइकिल पर सवार हो गए थे। पिछले चुनाव में दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरकर अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज करके घोसी विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी की झोली में डाला था, लेकिन हाल ही में उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही घोसी सीट खाली थी। अब इस सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके बाद 8 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। सपा की तरफ से सुधाकर सिंह और भाजपा की तरफ से दारा सिंह चौहान के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट को बचाने की चुनौती होगी, वहीं बीजेपी के लिए भी ये सीट साख का सवाल है। घोसी विधानसभा सीट पर 2022 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो दारा सिंह चौहान 1,08,430 वोट पाकर ही जीत गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। बसपा के वसीम इकबाल 54,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अगर मुस्लिम वोटर की कृपा सपा पर बरस गई तो दारा या बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए इस बार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों को ऐसा खेल रचना होगा जिसमें पिछली बार की तरह दारा तो जीत जाए लेकिन सपा हार जाए। आपको बता दें कि घोसी सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वहीं 2022 के चुनाव के लिए भी सुधाकर सिंह ने दावा तो ठोका था, पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा का दमन थाम लिया था। इसके बाद से सपा ने सुधाकर सिंह का पत्ता काट कर दारा सिंह को घोसी से उम्मीदवार बना दिया। दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीतकर घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। घोसी विधानसभा सीट पर करीब 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, करीब 2,44,000 पुरुष और 2 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। पिछड़ों में शुमार नौनिया चौहान बिरादरी के मतदाता एक मुश्त वोट डालते हैं और जातिगत उम्मीदवार से पूरी वफा निभाते हैं। दारा सिंह चौहान हो या सपा बसपा के उम्मीदवार, चौहान राजभर यादव मुस्लिम प्रत्याशी सीट जीतने की लगभग गारंटी बन चुके हैं। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करके जहां समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहेगी कि राजभर और चौहान के भाजपा में जाने के बाद भी पार्टी यहां मजबूत है, वहीं इस उपचुनाव के नतीजे से ये भी पता चल जाएगा कि पूर्वांचल के दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा मिला।